आपने मतलब किसने नहीं देखी OMG मूवी, किसने नहीं देखी, जिसने नहीं देखी वो पागल है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपने उसमें अक्षय कुमार की एक्टिंग देखी होगी कृष्ण जी के रोल में, अब और आपने एक महत्वपूर्ण इंसान की एक्टिंग देखी होगी परेश रावल की। परेश रावल इसमें नास्तिक आदमी दिखाए गए हैं, एक्टिंग ऐसे दमदार क्लासिक मजेदार, ऐसी एक्टिंग उनकी मैंने उनकी कहीं नहीं देखी। अब क्या है कि परेश रावल का घर टूट जाता है, दुकान टूट जाती है, दुकान का केस वो भगवान पर डाल देते हैं कि भगवान की वजह से मेरी दुकान टूटी है। अब भगवान पर केस डाल दिया तो पब्लिक तो भड़केगी ही, पब्लिक भड़की, ऊपर साधु संत भड़के, जो मिथुनदा है, जो पुजारी है, जो बैठे हुए हैं, जो पैसा खा रहे हैं, वो भड़के, ऐसा भड़के कि कोर्ट तक आने से पहले ही उसमें पत्थरबाजी कर दी गई, उनको वार लगाने के लिए बंदे भेजे गए, मतलब बहुत कुछ चीज झेलनी पड़ी परेश रावल को, नास्तिक आदमी को। बीच बीच में ही हर बार कृष्ण भगवान जो अक्षय कुमार के रूप में है वो परेश रावल को बचा लेते हैं, कांजीलाल मेहता को बचा लेते हैं, बट लास्ट में परेश रावल सबक सीख जाते हैं और नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं, शरण में चले जाते हैं। अब ऐसे ही मूवी आ रही है OMG 2। OMG 2 जो है बहुत ही तकड़ी मूवी जाने वाली है, उसका टीजर रिलीज हुआ है, टीजर के बारे में आपको बता देता हूँ, मूवी के बारे में बता देता हूँ कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी। पहली बार मूवी में परेश रावल थे और इसमें है पंकज त्रिपाठी, वो कांजीलाल मेहता थे और ये है कांति शरण। अब देखना ये है कि कांजीलाल मिश्रा बेहतर थे या कांति शरण बेहतर है, वे तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, बट पंकज त्रिपाठी ने मजा खड़ा कर दिया जैसा उसकी आवाज में बोला जा रहा है टीजर में। लगाई हुई पुकार उसे हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है। उनका कहना है ईश्वर है या नहीं इसका प्रमाण इंसान आस्तिक और नास्तिक होकर पता लगा सकता है, बता सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। बट भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता, किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं करता, उसके कर्मों के हिसाब से उसको सजा मिलती है, पाप मिलते हैं, पुण्य मिलता है, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता, जैसा करोगे ऐसा भोगोगे, ये तो रूल चलता ही आ रहा है सदियों से। टीजर में एक और चीज अलग दिखाई गई है, OMG में क्या है कि अक्षय कुमार भगवान श्री कृष्ण के रोल में नजर आते हैं, बट OMG 2 में अक्षय कुमार भगवान शिव जी के रोल में, भगवान महादेव के रोल में नजर आने वाले हैं जैसा दिखाया जा रहा है। चाल बदल दे काल का कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल।